एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एक्सरसाइज 5.3। आवर क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज मैच द फॉलोइंग। वी आर गिवन हियर स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, एंड ऑन द राइट हैंड साइड आवर ऑप्शंस आर लेस देन 1/4 अ रेवोल्यूशन, मोर देन हाफ अ रेवोल्यूशन, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, 1/4 अ रेवोल्यूशन, बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। अंडरस्टैंड दिस मीनिंग। 1 रेवोल्यूशन इज ऑफ 360 डिग्री। आपका एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री का होता है। सबसे पहले स्ट्रेट एंगल, आपको मालूम है स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब जो स्ट्रेट एंगल है वो आपका किससे मैच करेगा, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, क्योंकि अगर एक रेवोल्यूशन 360 का तो उसका हाफ कितना होगा, 180। तो ये आपने किससे मैच किया, हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। देन नेक्स्ट राइट एंगल, राइट एंगल आपको मालूम है कितने का होता है, वो आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री मीन्स 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज योर डी। नाउ कम्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इज angle less than 90 degree. So if it is an angle less than 90 degree, that means less than 1/4 of a revolution, क्योंकि आपका 1/4 revolution 90 degree होता है, तो उससे कम होना चाहिए। तो acute angle आपका हो जाएगा A. Now comes obtuse angle. Obtuse angle आपका 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होगा। तो in that case it is, that will be your equal to, you can see here this one, बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। 1/4 आपका 90 डिग्री है और हाफ कितना है, 180। तो मतलब 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा। तो इसके लिए ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आपका 180 से बड़ा होता है, 360 से ज्यादा कम होगा। तो इन दैट केस फॉर द फिफ्थ ऑप्शन इट विल बी योर बी, दैट इज मोर देन हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। सो इन दिस वे वी हैव match the given following. Okay, thank you.